खालिस्तानी आतंकियों के हाथों में खेल रहे कनाडा को भारत तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। भारत कनाडा तनाव के बीच आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर कनाडा में रह रहे हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दे डाली। पन्नू ने कनाडा में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की खालिस्तानी धमकियों के बावजूद जस्टिन ट्रूडो की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस बीच कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों को और नागरिकों के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। उन्हें यात्रा में सावधानी बरतने और उन जगहों की यात्रा करने से बचने को कहा गया जहां हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कनाडा में करीब 8 लाख सिख और करीब 8.5 लाख हिंदू रहते हैं। कनाडा गंभीर आरोप लगाने के 24 घंटे बाद दिल्ली में ताबड़तोड़ मुलाकातों के साथ कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। संसद का विशेष सत्र चल रहा है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच संसद भवन में बातचीत हुई। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच कनाडा से बढ़े तनाव पर बातचीत हुई है। इस मामले में भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी चर्चा हुई। दरअसल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खुलेआम आरोप लगाया कि वहां खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ है। भारत ने इस पर एतराज जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और जैसे को तैसा वाला एक्शन लेते हुए कनाडा के भी एक राजनयिक को देश के बाहर कर दिया। दूसरी बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई है। खास बात यह कि इसमें भी खालिस्तानी एंगल ही प्रमुख था। भारत सरकार के लगातार आग्रह के बावजूद कनाडा सरकार खालिस्तानियों को संरक्षण दे रही है और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर आंखें मूंदे बैठी है। संसद परिसर में शाह के ऑफिस में अजीत डोभाल के पहुंचने पर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। बताया जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत हुई। हाल में कश्मीर के अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में खालिस्तानी कनेक्शन का पता चला। एनआईए जांच कर रही है। ऐसे में गृह मंत्री के ऑफिस में आज इस मुलाकात पर लगातार चर्चा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कश्मीर के मुद्दे पर काफी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से किसी बड़े फैसले की भी बात हो रही है। दोनों मुलाकातें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि कनाडा भी दूसरा पाकिस्तान बनता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि कनाडा के लिए भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले सभी कैनेडियाई ओसीआई कार्ड धारकों को भारत सस्पेंड कर सकता है। ओसीआई भारत की ओवरसीज सिटीजनशिप होती है। ये इमिग्रेशन स्टेटस होता है जो भारतीय मूल के विदेश नागरिकों को अनिश्चित काल के लिए भारत में रहने और काम करने का अधिकार देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।